कि रसिया जाने के बाद ये गलती तो बिल्कुल भी मत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग। एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आई एम रणधीर यादव, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट, हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि रसिया जाने के बाद ये गलती तो बिल्कुल भी मत। क्या क्या चीजें होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया से आने से पहले जो तुम्हारा गूगल मैप है उसको हटा दो, जो तुम्हारा गूगल ट्रांसलेटर है इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इतना यूजफुल नहीं होता। उसके जगह इंडेक्स मैप और इंडेक्स ट्रांसलेटर, ये दोनों ऐप डाल लो, क्योंकि ये दोनों ऐप यहाँ पर चलता है सबसे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक और, यहाँ पर जो आने से पहले क्या करो कि कोशिश करो कि इंडेक्स गो करके एक टैक्सी की ऐप होती है उसको डाल के अलाओ। तीनों का जो लिंक है ना वो तीनों डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आराम से देखो वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं कि जो तुम्हारा जो बैंकिंग का है जो यूज करते हो इंडिया में, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इन तीनों चीज़ों को ना पहले से इंस्टॉल करके ले जाओ, क्योंकि यहाँ आने के बाद क्या होता है कि वो बैंक का वेरिफिकेशन नहीं हो, तो वो क्या करती है, यहाँ पे आने के बाद बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फिर या तो वो किसी से हेल्प लेकर एक्सचेंज भी कराने में दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि तुम किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे मंगवा के फिर तुम अपना एक्सचेंज वगैरह कराते हो, वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्लियर रहो ताकि प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इंडिया से पहले ही ये सब चीज़ों को सेट करके आओ। चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर इंडियंस कोई भी कार्ड काम नहीं करते, जितने भी जैसे कार्ड्स वगैरह के, एटीएम कार्ड या तो मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड है, दोनों कार्ड काम क्यों काम नहीं करते हैं। बेसिक बता दूँ कि रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो क्या हुआ था, जो जितने भी इंडिया का कार्ड था या इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम था रशिया के लिए बैन कर दिया गया था, पर यहाँ पर वैसा कभी दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हेल्प कर देंगे, इवन आपको बेहतर रेट भी मिल जाएगा। और जब पहली बार आप इंडिया से आ रहे होते हो तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस के लिए एक्स्ट्रा डॉलर लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होता, सेव करके यहाँ के बैंक में डिपॉजिट करके रख लो, आप मंथली वाइज यूज करो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जब आप इंडिया से रशिया में आने के बाद जब आप लैंड करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जैसे आप लैंड करते हो तो दो प्रॉब्लम सबसे कॉमन है, पहला तो लैंग्वेज बैरियर हो गया, दूसरा कि आपको जाना कैसे है, कहाँ जाना है। तो सबसे पहले बता दूं कि लैंग्वेज बैरियर के लिए मैं जैसे कि बताया आपको कि जो ट्रांसलेटर है गूगल ट्रांसलेटर की जगह इंडेक्स ट्रांसलेटर डालो, अगर गूगल ट्रांसलेटर है तब भी चल जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इंडेक्स पर डाल लो, वो बेस्ट होता है। और फिर दूसरा चीज़ ये है कि इंडेक्स गो डाल लो, जो कि यहाँ का टैक्सी होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। और तीसरा चीज़ होता है कि आपके पास इंटरनेट प्रॉब्लम होता है, तो जैसे समारा के एयरपोर्ट पर लैंड करते हो वहाँ पर वाईफाई अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर लैंड करते हो तो जो यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो भी यहाँ पर लोग आपको मदद कर रहे हैं एडमिशन लेने में, हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपको सिम प्रोवाइड करते हैं यहाँ आने के बाद। लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी जब आप यहाँ पर आने के बाद जब अपना बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाते हो तो वो हमेशा ध्यान रख कि वो जो सिम प्रोवाइड करते हैं वो टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए होते हैं, क्योंकि जब आप सिम लेते हो या कोई भी रशिया के अंदर सिम लेता है तो अपने डॉक्यूमेंट पे लेता है, तो वो आपको इसलिए देता है ताकि आप अभी इन सब चीज़ों के लिए मैनेज कर लो, वापस जब आपको पासपोर्ट मिलता है काम कराने के लिए तो आप अपने नाम पे सिम ले लो, ताकि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाओ तो आपके नाम पे सिम रहे, वो बैंक अकाउंट आपके नाम पे है तो आपको कोई दिक्कत का है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई भी कार्ड इंडिया का नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर कोई भी कार्ड नहीं चल रहा है तो उसका एक प्रॉब्लम ये है कि आप जब पहली बार अगर इंडिया से रशिया आ रहे हो तो अपने साथ कुछ कैरी करो कैश, अप्रोक्स 5,000 रुपये के आसपास कैरी कर लो, क्योंकि जब आप यहाँ पर लैंड करोगे तो आपको थोड़ी बहुत कैश की जरूरत पड़ेगी, बेसिक नीड के लिए सामान लेना पड़ेगा, जैसे पानी वगैरह ये वो हो गया, इन सब चीज़ों को लेना पड़ेगा। और ये सोचिए मत चलो कि वहाँ पर कार्ड है, कार्ड चला जाएगा, कार्ड यहाँ पर नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता रशिया का कोई, रशिया के अंदर कोई भी इंडियन कार्ड, क्योंकि जब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ था तो कार्ड बिल्कुल ही बंद। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप रशिया लैंड करते हो तो सबसे पहले आपको लेना है सिम कार्ड, अगर आपका एजेंट ने सिम कार्ड ले लिया है तो गुड, वेल एंड गुड, अगर नहीं लिया है तो अपने पासपोर्ट में आप सिम कार्ड ले सकते हैं, नियर बाई किसी हॉस्टल के आसपास किसी शॉप में चले जाओ जहाँ पर सिम कार्ड वगैरह मिल रहा है, इवन आप जो इंडेक्स मैप जैसा कि मैंने बताया तो सर्च मारो कि सिम कार्ड शॉप तो आपको मिल जाएगा नियर बाई हॉस्टल के आस, आप जाके ले लो, हार्डली साढ़ी 10 से 15 मिनट लगते हैं, वो तुरंत पासपोर्ट का फोटोज वगैरह सारा खुल लेते हैं, आप पासपोर्ट लेके जाओ, इमिग्रेशन कार्ड लेके जाओ, वो आपको सिम दे दें। और अगर आपको सिम कार्ड मिला है किसी एजेंट के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू जो आपको एडमिशन में हेल्प मिला है, तो आप कोशिश करो उसके नाम पे जो सिम कार्ड मिला है आप उस पे अपना बैंक अकाउंट वगैरह मत खोलो, क्योंकि जब आप उसके दिए हुए सिम कार्ड पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो कई बार आपका मोबाइल वगैरह अगर गुम हो जाता है तो क्या होता है कि अगर वो एजेंट या कोई बंदा है अगर वो यहाँ पर नहीं है या कहीं चला गया या वो डॉक्यूमेंट नहीं देता अपना, तो आपको आगे जाके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि आपको वो सिम दोबारा नहीं मिल सकता क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट पे नहीं था ये। दूसरा चीज़, आपको बैंक से जो आपको रिकवरी करना पड़ता है कि मेरा अकाउंट है, प्रूफ देना पड़ता है, तो कई बार इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, पर बैंक का फिर भी काम चल जाता है, लेकिन जो आपका सिम होता है वो हमेशा के लिए चला जाता है, इसका हमेशा ध्यान। तो उससे
कवर आउट होने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि तुम अभी टेम्परेली के लिए जो एजेंट सिम देते हैं वो सिम को यूज कर लो, जैसे ही वो काम खत्म हो जाता है तो अपने नाम पे नया सिम ले लो और उस पर सारा प्रोसेस करवाओ। जैसे तुम्हारा बैंक हो गया, बैंक ओपन करवाओ अपना, और भी यूनिवर्सिटी वगैरह में जहाँ सिम का जहाँ नंबर वगैरह देना वहाँ नंबर दे दो। तो ये चीज़ों को ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर कार्ड इंडियंस नहीं चलते तो भैया पैसा को हम कैसे मैनेज करते हैं। देखो जैसे ही आप यहाँ पर लैंड होते हो ना, थोड़े दिन बाद आपका जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस वगैरह हो जाता है थोड़ा बहुत, उससे जब टाइम मिल जाता है तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवा लो। एक दिन में यहाँ पर स्वेयर का बैंक खुल जाता है और स्वेयर बैंक में बैंक अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आप क्या करो, ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही यहाँ का इंटरनेट ऑनलाइन एक बैंकिंग है टिंकॉफ का, आप उसको खुलवा लो। वो आपके हॉस्टल के आसपास का जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे आपको आपको एटीएम कार्ड दे जाएगा। उसका सारा एप्लीकेशन वगैरह मोबाइल पे होता है, आप उसमें चेक कर सकते हो। और उसका जो एटीएम वगैरह होता है बिल्कुल आसपास ही होता है, आप वहाँ जाके अपना कैश डिपॉजिट कर दो, चाहे पेमेंट करना कहीं भी। तो आप कार्ड, तो अभी तक हमने बात किया था कि आने से पहले क्या क्या चीज़ें करना है और आने के बाद क्या क्या चीज़ें। अब हम बात करें कि रशिया आने के बाद क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट मिस योर क्लासेस। यहाँ आने के बाद कभी भी ये मत सोच कि ठंड ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है, खाना नहीं बना, बीमार सा फील हो रहे हैं, या दोस्त लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं जाना, ये सब वजह से कभी भी क्लासेस मिस मत करना, क्योंकि क्लासेस मिस करने के कारण बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे कि मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा हूँ कि क्लासेस नहीं गए, उसके कारण उसका एबसेंस रहा है, टीचर एग्जाम देने में प्रॉब्लम कर, अगर एबसेंस क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम में मुश्किल पड़ जाता है। कई ऐसे बच्चों को मैं देखा हूँ कि यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो जाते हैं। तो इन सब वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों को भुगतना पड़ जाएगा, इवन जो आपका जो पैसा और टाइम वो सारा चीज़ वेस्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि क्लासेस बिल्कुल भी ना मिस करो, कोशिश करो कि ऑलमोस्ट क्लासेस जाओ, ऑलमोस्ट क्या मतलब सारी क्लासेस जाओ और सारे चीज़ों को कवर करो, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो लेकिन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको एकेडमी में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प मदद कर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि रशिया आने के बाद आप मेडिकल इंश्योरेंस जरूर ले लें, ठीक है? क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसको कई बार इसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर वो बच्चों को आगे जाकर प्रॉब्लम करती है, और यहाँ पर बिना मेडिकल इंश्योरेंस का मुश्किल होता है कोई भी चेकअप के लिए। क्योंकि एक बार आप डॉक्टर से भी दिखाने के लिए जाओ तो आपसे 2000 से 2500 रुपये लेते हैं, और बार बार जैसे ही आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है किसी पर्पज़ के लिए तो फिर वो चार्ज करते हैं। और इवन समारा के अंदर ऐसा है कि समारा यूनिवर्सिटी खुद बच्चों को फोर्स करती है कि बिना जो तुम्हारा इंश्योरेंस है उसके बिना तुम नहीं रह सकते हो। तो कभी भी आप बिना इंश्योरेंस का मत रहना रशिया के अंदर, हमेशा हर ईयर इंश्योरेंस को बाई करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए करने आए हो वो ये चीज़ सीरियसली, आप पढ़ाई करने आए हो पढ़ाई करो, और भी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो वो करो, पर प्लीज़ आप किसी भी लड़ाई में किसी भी तरीके का चीज़ों। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि किसी भी लोकल की वजह से आप इन्फ्लुएंस मत होना कि लोकल्स ये कर रहे हैं तो हम भी कर, लोकल्स के लिए जो रूल है हमारे लिए वही होगा, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल के लिए रूल्स अलग हैं और लोकल्स के लिए रूल्स अलग हैं। लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि कभी भी जब MBBS अब्रॉड में आए हो या कहीं भी रशिया के अंदर कहीं भी हो किसी भी पार्ट में हो, कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो या इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जो कि रहना चाहता हो, उसके लिए खास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्म कि कभी भी किसी स्टूडेंट सीनियर फ्रेंड्स या एजेंट्स के बहकावे में या किसी भी चीज़ों के चक्कर में आप कभी भी इन्फ्लुएंस हो गए ना, किसी के लिए लड़ाई मत, किसी के लिए को फाइट मत करना। उसका प्रॉब्लम्स क्या होता है, उसका प्रॉब्लम ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया जाएगा और ये टोटली आपका लॉस होगा। और आप एक सोचो कि जब आप यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होगे तो आपका ईयर जाएगा, लॉस आपका टोटल होगा। सो एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, कभी भी किसी सीनियर या स्टूडेंट्स या किसी भी एजेंट्स के बहकावे में या उसके इन्फ्लुएंस हुए या उसको सपोर्ट करते हुए कभी भी किसी भी फाइट में इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि अगर तुम इन्वॉल्व हुए ये अगर यूनिवर्सिटी समझ जाएगी कि ये तुम्हारी गलती है तो कभी भी किसी स्टूडेंट को या किसी तुम्हारे सीनियर्स को वो नहीं करेंगे। अगर तुम इन्वॉल्व हो तो वो तुम्हें एक्सपेल करेंगे और तुम्हारा टोटली एंड टोटली तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारा स्टडी पूरा वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा मनी वेस्ट हो जाएगा, तो पूरा करियर तुम्हारा दांव पे लगा रहेगा। तो ये चीज़ कभी मत करना, क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा हूँ कि इसके चक्कर में वो बर्बाद हो गए हैं, वो अपना करियर को बर्बाद कर लिए, अपने पैसों को बर्बाद कर लिए, अपने टाइम को बर्बाद कर लिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो और इंपॉर्टेंस दो अपने पढ़ाई को, अपने टाइम को, अपने करियर को, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।